वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सभी कैसे हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। इसमें जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या स्कीम्स हैं, उनकी हेडिंग आएगी, उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स में क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रखे हैं, वो सब आएंगे इसके अंदर। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस लेके आती हूँ न्यू टॉपिक्स के ऊपर, तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जो कि प्रिवेलेंट है हमारी कंट्री में, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड सेवरल स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल बेनिफिट टू इट्स सिटीजन्स। ये मोटिवेट करती हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कि किस तरह से हम सेल्फ एम्प्लॉयड हों। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इन अ विच जिसमें एक पर्सन या फिर कोई ग्रुप एम्प्लॉयड होता है फॉर देम, अपने लिए, एंड गेट्स पेड फॉर द फर्म्स प्रॉफिट, और फर्म्स के प्रॉफिट के लिए पे करता है इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर अदर्स। मतलब दूसरों के लिए वर्क नहीं करता, वो खुद के लिए वर्क, मतलब कि खुद के लिए वर्क करता है। और एक पर्टिकुलर पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है जो खुद से एम्प्लॉयड है, कोई उसको किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद है सबसे पहले तो एस्पायर स्कीम्स, ए स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यह इसका पूरा फुल फॉर्म है एस्पायर का। ठीक है, इंस्पायर इज एम टू मेक द पीपल ऑफ रूरल एरियाज, इसका जो एम होता है वो मेक करना जो रूरल पीपल हैं, ठीक है, जो रूरल एरिया के पीपल हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयड करना बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देके फ्रॉम सब्सिडीज एंड लोन्स। ठीक है, गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ या फिर लोन प्रोवाइड करती है जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। मेन एम जो होता है, एम है स्कीम का अब इंट्रोड्यूसिंग द स्कीम इज जनरेट करना अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, जो कि इंट्रोड्यूस, और ये जो स्कीम है वो इंट्रोड्यूस हुई थी 2015 में। उसके बाद जो हमारी सेकेंड स्कीम है वो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें जो स्कीम है इंट्रोड्यूस की गई थी बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, KVICs, इसका शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, टू प्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री। जो अर्बन एरिया है, शहरी जो एरिया है उन पर, उस पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोड्यूस करना। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ क्रॉस द एज ऑफ माइनॉरिटी, जिन्होंने एज ऑफ माइनॉरिटी को क्रॉस कर लिया है, ठीक है, 18 ईयर्स, एलिजिबल हैं इस बेनिफिट के लिए। मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यूनिट प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द स्कीम इज़ ₹25 लाख, जो मैक्सिमम इसमें प्रोवाइड किया जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को 25 लाख होना चाहिए फॉर द प्रोडक्शन सेक्टर के लिए और 10 लाख सर्विस सेक्टर के लिए। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट स्कीम, प्रधानमंत्री रोजगार स्कीम। इसके अंदर क्या है वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार स्कीम इज़ द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लॉन्च इन 1993 में ये लॉन्च हुई थी, विच फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किस तरह से हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, टू द लिटरेट यूथ, जो लिटरेट मतलब पढ़े लिखे यूथ हैं उनको, हु डू नॉट गेट जॉब, जिन्हें जॉब नहीं मिली है। प्रोवाइड करता है लोन फॉर अनएम्प्लॉयड वुमेन एंड यूथ विद द हेल्प ऑफ दिस लोन, इस लोन के साथ यंग इंडिया कैन स्टार्ट देयर बिजनेस विद इनोवेटिव आइडियाज़ इन मैनी सेक्टर। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स में जो इनोवेटिव आइडिया हैं उसके साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अंडर दिस स्कीम द लोन अमाउंट ऑफ अप टू ₹1 लाख इज ऑफर्ड, 1 लाख तक का लोन इसमें ऑफर किया जाता है टू द बोरोवर के लिए, एंड ट्रेनिंग ऑफ 15-20 डेज दी जाती है इसमें। पीरियड ऑफ रीपेमेंट, अगर जो लोन का रीपेमेंट का जो पीरियड होता है वो है 3 से 7 साल, 3 to 7 years, ठीक है, ऑफ द लोन अमाउंट। नेक्स्ट है माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो क्रेडिट स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, रन फॉर द मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, जनरली लेडीज़ के लिए, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो मेनली जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए होता है, जो हु लिव इन द रूरल एरियाज़ और द स्लम सेक्शन ऑफ अर्बन एरियाज़। लिटिल और माइक्रो अमाउंट ऑफ 1 लाख टू द मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप विथ 7% ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इसमें जो इंटरेस्ट रेट उनको दिया जाएगा वो 7% का होगा, ठीक है, 1 लाख में। और जो पीरियड ऑफ रीपेमेंट है यहाँ पे रिफंड करने का, अब दिस लोन इज 3 ईयर्स, 3 साल में वो रीपेमेंट कर सकते हैं।
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लैंडिंग स्कीम, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लैंडिंग स्कीम सेकेंड है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लैंडिंग स्कीम के अंदर इज़ रन बाय द नेशनल मिनिस्ट्री डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन फॉर द माइनर कम्युनिटी टू मेक दैम सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए उन्हें ये रन की जाती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोन अमाउंट सेंक्शन अंडर दिस क्रेडिट लाइन टर्म टू स्कीम्स इज 30 लाख, ठीक है, क्या है 30 लाख है इसमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है मॉनेटरी कमिटीज़ के लिए वो 3% होता है और रीपेमेंट टेन्योर इसमें होता है 5 ईयर्स का। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी सही से नहीं दिखे तो आप रिजोल्यूशन अपना इंक्रीज़ कर लीजिए, ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं इसमें से, ठीक है, ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं तो उन्हीं में से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप भी बना सकते हैं नोट्स फॉर द एग्ज़ाम के लिए अपने। ओके, सो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन पुअर स्कीम। तो ये नेक्स्ट स्कीम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन पुअर स्कीम। ये ऐसा प्रोग्राम है अंडर द नेशनल अर्बन लेवलीहुड मिशन के अंदर ये प्रोग्राम आता है। दिस स्कीम प्रोवाइड पुअर पीपल इन अर्बन एरियाज विद अ फाइनेंशियल सपोर्ट। देर इज़ नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है एलिजिबल होने के लिए स्कीम के लिए। एंड एनी इंडिविजुअल और ग्रुप विद अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 3 कैन अप्लाई फॉर इट, ठीक है, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ 3 है वो अप्लाई कर सकता है इसमें। द सेंशन लोन अमाउंट इज़ अप टू 10 लाख, इसमें सेंशन जो लोन अमाउंट है वो 10 लाख तक है फॉर ग्रुप एंड 2 लाख फॉर इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 2 लाख मिलेगा और अगर आप ग्रुप हैं तो 10 लाख तक आपको लोन यहाँ पे सेंशन किया जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ऑफ फॉर रूरल पुअर स्कीम के अंदर इंटरेस्ट रेट इस स्कीम के अंदर है 7% एंड टेन्योर ऑफ रिफंड क्या है 5 to 7 ईयर्स, ठीक है, 5 से लेके 7 ईयर्स के अंदर टेन्योर आपको दिया जाएगा। उसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम, इसी के अंदर आ रहा है। अलग अलग इसको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, अलग अलग स्कीम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो उसी के अंदर नेक्स्ट जो है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम। ये भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये फॉर मैनी यंग इनोवेटर डू थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स, किस तरह से यंग इनोवेटर आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करें। द सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम एनकरेज करने के लिए दोज इनोवेटर्स टूवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। द स्कीम प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट टू डिफरेंट माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। इसमें क्रेडिट प्रोवाइड किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट उनको क्रेडिट प्रोवाइड करेगी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को, ठीक है, जो इन इससे क्या होगा एनकरेज किया जाएगा इनोवेटर्स को, ठीक है, टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किस तरह से वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ। पहला है शिशु लोन, फर्स्ट शिशु लोन। लोन अमाउंट प्रोवाइडेड इन द शिशु लोन हैज़ अ मैक्सिमम लिमिट, इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50,000 है। दिस लोन इज़ टू प्रोवाइड टू सेटअप अ न्यू बिजनेस, अगर आपको न्यू बिजनेस सेटअप करना है तो शिशु लोन आएगा। सेकेंड है किशोर लोन, ठीक है, लोन अमाउंट प्रोवाइडेड इन द किशोर वो है रेंज फ्रॉम 50,001 to ₹5 लाख, ठीक है, कितना है किशोर लोन के अंदर। लोन अमाउंट प्रोवाइडेड इन द किशोर लोन रेंज फ्रॉम 50,001 to ₹5 लाख, ठीक है, आया ना समझ में आपको। दिस लोन इज गिवन टू दोज, ये लोन उनको मिलेगा, दोज एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री विच वॉन्ट टू परचेज न्यू इक्विपमेंट एंड न्यू मटेरियल, मतलब पहले से सेटअप हो चुका है बिजनेस, मतलब सेटअप हो चुका है, अब उनको अगर कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ जो एग्जिस्ट कर रही हैं और उन्हें परचेस करना है अगर कोई न्यू इक्विपमेंट या फिर कोई नया मटेरियल, तब ये लोन दिया जाएगा उस टाइम पे। उसके बाद है थर्ड तरुण लोन, तरुण मतलब ग्रोन अप वाली जो एज होती है। लोन अमाउंट प्रोवाइडेड इन द तरुण लोन रेंज फ्रॉम 5 लाख 1 to 10 लाख, इसके बीच में ना मिलेगा, ठीक है, लोन। इट इज़ प्रोवाइडेड टू द इंटरप्राइजेस एंड बिजनेस विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनको मिलेगा। एंड वॉन्ट टू ग्रो टू अ लार्ज स्केल, मतलब कि अभी मीडियम स्केल पे हैं और लार्ज स्केल में अगर उन्हें ग्रो करना है उस टाइम पे अपने कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करती हैं, तो उसके लिए वो ये लोन दिया जाएगा उनको, ठीक है। तो ये था प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम के अंदर 3 स्टेजेस, शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद है महिला समृद्धि स्कीम,
आत्मनिर्भर भारत स्कीम, स्टार्टअप और स्टैंडर्ड इंडिया स्कीम और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये और भी कुछ स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। फटाफट से थोड़ा बहुत इनको भी देख लेते हैं, चाहे तो आप इनको लिख सकते हैं एग्जाम में, अगर नहीं चाहते हैं तरुण लोन तक आप एंड कर सकते हैं इसको। मैं थोड़ा बहुत और एक्सटेंड कर दिया है इसको, एक एक लाइन इसके ऊपर लिखी है, आप चाहे तो और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, नहीं चाहते तो इतना भी लिख लीजिए, सफिशियंट है। ठीक है, तो मैं कर देती हूँ फटाफट से एक्सप्लेन। महिला समृद्धि स्कीम बेनिफिशियरी लोन अमाउंट है फॉर अ लेडी इन दिस माइक्रो फाइनेंस स्कीम, जिसमें इन्हों 60,000 रुपीस दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत स्कीम अप टू 3 लाख टू द फार्मर्स, स्टार्टअप और स्टैंडअप इंडिया स्कीम बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ टू द ग्रुप इन विच मिनिमम अनशेड्यूल्ड ट्राइब SC पर्सन एंड मिनिमम 1 लेडी इज अ मेंबर, एक लेडीज मेंबर होना चाहिए। 4 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर हैंडीकैप इंडिविजुअल हु वांट टू सेट अप देयर बिजनेस इन देयर एरिया विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50 लाख, जिसमें मैक्सिमम लिमिट 50 लाख होगी। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो उसे लाइक कर सकते हैं अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं, और फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। मेरी और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक के ऊपर, मैं लास्ट इस वीडियो के लास्ट में उसे पिन कर दूंगी, तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं जो भी आपको टॉपिक देखना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।